नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम नोज के स्टार्स विद आभा सोनी। दोस्तों आज हमने इनवाइट किया है मानवेंद्र को, जिन्होंने नीट क्रैक किया है 700 मार्क्स लेकर। तो चलिए डिस्कस करते हैं मानवेंद्र से कि उन्होंने किस तरह से नीट क्रैक किया। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोज के और भी नए सितारों से हम आपको मिलवाते रहें, और बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलें। सो मानवेंद्र, वेलकम टू द शो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू मैम। तो नीट क्रैक करने का राज क्या रहा आपका? मैम, कंसिस्टेंसी इसकी। अगर लगातार पढ़ते रहे, रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़े बट कंटिन्यूसली पढ़ते रहे तो हो जाता है। अच्छा, आपको ये स्टडी करते करते बीच में कभी मॉरल डाउन हुआ आपका? यस मैम, ऑलमोस्ट हर वीक, काफ़ी कॉमन था। पर यही है कि अगर कंसिस्टेंसी बनी रहे और डिसिप्लिन हो तो कम मॉरल में भी पढ़ लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। कितने कितने आर तक स्टडी करते थे? अगर आइडियल डे जाए तो 10-12 हो जाता था, अदरवाइज जब पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो तब भी 6 या 7 तो कर ही लेता था। अच्छा, अभी आपने जो ये प्रिपरेशन की, बीच में जैसे स्टडी करते रहे और एक होता ना कि फुल हो गया है, अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर क्या करते थे मूड फ्रेश करने के लिए? तब बाहर फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमाता था, या टीचर से थोड़ा पूछ लेता था क्या पढ़ूँ मैं, उनसे गाइडेंस ले लेता था। आप ये जो नीट क्रैक करने का क्रेडिट किन्हें देना चाहेंगे? ये क्रेडिट सारा टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को जाता है। सो आपके माइंड में कैसे आया कि आपको डॉक्टर बनना है? मैम, मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे और उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ, तो हमेशा से ही डॉक्टर का ही मन था मेरा। तो नीट की प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? आपने कब डिसाइड किया कि हाँ मुझे नीट क्लियर करना है और तभी से आप लग गए? 11 से स्टार्ट किया नीट की प्रिपरेशन। 11 से स्टार्ट किया। डॉक्टर बनने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा समाज के प्रति? मैम, जितना हो सके गरीबों की हेल्प करूँगा, फ्री इलाज वगैरह करके। ठीक है, ये माइंड में कैसे आता है आपके कि फैमिली में कभी किसी ने इस तरह से हेल्प की है या फिर कोई डॉक्टर रहा है? मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर है। अच्छा, तो हाँ उनसे। ठीक है, उनसे आया है। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहे होंगे। हाँ। एंड फादर क्या करते हैं? वो RAS है। ओके, तो फिर आपको RAS नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, क्यों? मैं लाइफ स्टाइल कम्पेयर करके उनके ट्रांसफर्स काफी होते रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल स्टेबल ज्यादा है ग्रैंडफादर की, तो इसलिए। तो वो अच्छा लगता है। हाँ। अभी आगे क्या, अभी आपका कौन से कॉलेज का फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा कि आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं MBBS के लिए? कोई ना कोई एम्स ही बेटर है। एम्स? हाँ। जितने बच्चे आ रहे हैं सब एम्स में जाना चाहते हैं, भाई कॉलेज बेटर है। अच्छा है। हाँ। आपने नोज की में एडमिशन कब लिया? सेकंड क्लास से अभी तक। हाँ। नोजगे से आपने क्या सीखा, आपको क्या मिला? नोजगे का एनवायरमेंट काफी अच्छा है, काफी फ्रेंडली है, तो फ्रेंड्स वगैरह बनाना यहीं से सीखा, सोशल स्किल्स यहीं से डेवलप। मतलब काफी रिजर्व नेचर के रहे हो स्टार्टिंग से। हाँ। आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कभी? मैं एक सेकंड क्लास में चेस में गया था, बाकी उसके बाद से क्या मिला चेस में? वो गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल मिला? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद कब पार्टिसिपेट किया, कभी किया कुछ उसके बाद से? ना, उसके बाद 10th में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा ज्यादा, तब 92 आए, और उसके बाद 12th, और फिर 12th में कितने परसेंट आए? 12th में 92 है। 92%, वेरी गुड। तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बैठी हूँ मैं। सो मानवेंद्र, आपको नोज के अच्छा क्यों लगता है? मैम, यहाँ के टीचर्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। एकेडमिक सपोर्ट तो हर स्कूल में होता है, पर यहाँ एक्स्ट्रा भी बहुत है, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छे डेवलप्ड है, तो अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ कि छुट्टी है तो भी मन कर रहा है कि हाँ नोज की में जाए, आज छुट्टी क्यों है? जैसे स्टार्टिंग में मैं रिजर्व नेचर का था, बाद में यहाँ फ्रेंड्स वगैरह बनने लग गए तब बहुत अच्छा लगता था, और छुट्टी लेने का मन ही नहीं करता था। क्या कॉन्फिडेंस आया आपको नोज के ज्वाइन करने के बाद? यस मैम, काफी। जो बहुत से बच्चे आते हैं वो बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे असेंबली में पार्ट लेना कंपलसरी होता है। हाँ, उससे हाँ। बहुत फर्क पड़ा था, स्टेज पे पहली बार मैं असेंबली में बोला था। कौन सी क्लास में थे तब आप? अब शायद मैं 6th या 7th में। 6th 7th में। हाँ। और असेंबली के लास्ट में जो MD से स्पीच देते हैं उसका क्या इफेक्ट रहता है? MD से तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, वो हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको कभी स्पेशल यहाँ पे किसी ने गाइड किया कि हाँ आप इस तरह से स्टडी करो, या कभी हुआ किसी प्रॉब्लम में फंस गए स्टडी में ही तो किसी टीचर ने यूं सपोर्ट किया हो, ऐसा रहा? मेरी 11th 12th की क्लास टीचर थी, बायो पढ़ाते हैं, मोनिका मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा था, वो हमेशा बताते रहते थे। मोनिका मैम को सब बच्चे बहुत लाइक करते हैं क्योंकि उनका पढ़ाने का वे है। हाँ। वो बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती है। आपके हॉबीज क्या क्या है?
हॉबीज लास्ट टू इयर्स उतनी डेवलप की तो नहीं, पढ़ाई में लगा हुआ था, बट शाम को बाहर निकलना से भूल गए कि हॉबीज क्या क्या है मेरी शाम को बाहर निकलना, फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलना, ये सब है। डॉक्टर्स बोलते हैं या मम्मा पापा भी बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे, खाते हैं? खाना चाहिए आइडियल सिनेरियो में, पर खाया जाता नहीं है। तो मानवेंद्र, आप नीट स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से स्टडी करनी चाहिए? नीट के लिए बस कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, पेपर बहुत इजी आता है नीट का, अनलाइक जेई, और हो जाता है अगर पढ़ते रहे तो, हर किसी से हो सकता है। आपको लगता है कि इजी पेपर आया था? हाँ, पेपर प्रोग्रेसिवली इजी होता जा रहा है हर साल, मतलब उसका फियर ज्यादा रहता है, फियर ज्यादा रहता है हाँ, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नेशनल नेशन वाइड, तो पेपर इजी आता है। ठीक है मानवेंद्र, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, नोज के में आपके बिताए हुए पलों के बारे में आपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ साझा किए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, आप एक अच्छे डॉक्टर बने और अच्छी सोच के साथ पेशेंट्स का इलाज करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मानवेंद्र, जिन्होंने नीट क्रैक किया है 700 मार्क्स लेकर। तो इसी तरह के और भी सितारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए नोज के स्टार्स, थैंक यू।